नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं एस्केलेप। न्यूटिया मेडी प्लस ओपीडी एज डायग्नोस्टिक क्लिनिक का आज उद्घाटन है। आइए देखते हैं यहाँ की सीधी तस्वीरें, कैसी सेवाएं आपको मिलेगी यहाँ पर। आपको मैं बता दूं, आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, आपको 80-70% मरीज देखने के मिलेंगे और कहीं ना कहीं वो अच्छे इलाज के लिए इच्छुक होते हैं कि उन्हें अच्छी सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए। तो ऐसे में ये क्लिनिक यहाँ खुलना एक खुशखबरी से कम नहीं है। डॉक्टर संजीव सहकर, आई एम द फैसिलिटी डायरेक्टर ऑफ न्यूटिया गेटवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये हमारा एक इनिशिएटिव है, एक चेष्टा है कि हमारे जो पेशेंट है और उनके पेशेंट बेस है, उसको और क्लोज जाके हम उनको रीच करें। क्योंकि न्यूटिया गेटवेल जो हॉस्पिटल है, वो उसका लोकेशन हमारे लिए कभी कभी दिक्कत होता है, पेशेंट के लिए दिक्कत होता है हम लोगों के पास आने के लिए। यहाँ पे ओपीडी एंड डायग्नोस्टिक्स की पूरी फैसिलिटी है और डायग्नोस्टिक्स में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, सारे लेटेस्ट कटिंग टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। जिन कोई पेशेंट का सर्जरी हो गया है न्यूटिया गेटवेल में, उसको फॉलो अप चाहिए, ही कैन यूज दिस सेंटर आल्सो, बिकॉज़ न्यूटिया का डॉक्टर इवनिंग में यहाँ पे मिलेंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अंदर और अंदर में आप देख सकते हैं, फर्स्ट में घुसते ही आपको जो भी जानकारी चाहिए, यहाँ रिसेप्शन अवेलेबल है, रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए हैं। जो भी जानकारी चाहिए आपको, कौन सी ट्रीटमेंट चाहिए, कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, कितने बजे आएंगे, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलते हैं अंदर की तरफ और देखेंगे यहाँ पे क्या है। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी है यही के एक स्टाफ, तो आइए हम उनसे ही बात करेंगे और पूछेंगे कि जो पूरे ऊपर से नीचे तक का जो बना हुआ है बिल्डिंग, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। तो सर, आप मुझे बताइए कि ये जो आपका कौन सा रूम है, यहाँ पे लेबोरेटरी रूम है, इधर में पेशेंट का ब्लड लिया जाएगा। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे ब्लड सैंपल लिया जाएगा और ब्लड सैंपल के जरिए उनका जो भी टेस्ट वगैरह होगा, कौन सी बीमारी है, उनका पता लगाया जाएगा। आगे की तरफ सर, ये VSG रूम है, इधर में पेशेंट का अल्ट्रासाउंड होगा। आ गए हैं हम दूसरे रूम की तरफ। सर, ये कौन सा? एक कार्डियोलॉजी रूम है, इधर में TMT, हॉल्टर, मॉनिटर, ECG। तो यहाँ पे सर, जो हमारी पेशेंट्स होंगे उनको कौन सी सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगी? इधर में TMT, हॉल्टर, मॉनिटर, और डिटेल्स में जानने के लिए मैडम से पूछिए। तो मैडम बताइए, यहाँ पे कौन कौन से सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? पूरा कार्डियक का, कार्डियो का जैसे TMT होगा, हार्ट ब्लॉक केस के लिए, और हॉल्टर मॉनिटरिंग 24 आवर्स 72 आवर्स, टेक्नोलॉजी है हाँ। और जैसे हम लोगों का हॉल्टर है, 14 डेज तक भी हो जाएगा, जैसे होता नहीं न्यू हाँ, नहीं ऐसा नहीं कि दूसरा जगह पे हो जाता है 33 डेज तक, मगर हम लोगों का 14 डेज तक होगा हॉल्टर। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एक्सरे रूम में, आइए यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सरे करने के लिए जो मशीनें लगती हैं, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। डिजिटल एक्सरे मशीन है और डिटेल्स में बताएंगे, टेक्नीशियन है। ओके, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं यहाँ के टेक्नीशियन, उनसे जानते हैं यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज मरीजों को मिलेगी। तो सर, ये मशीन हो गया, इसका 400 का मशीन और पूरा डिजिटल DR सिस्टम है ये हाँ। सब कुछ प्रोसीड्योर इधर अवेलेबल होगा, सब कुछ प्रोसीड्योर, मतलब एक्सरे में जो कुछ भी प्रोसीड्योर होता है सब कुछ ही होगा इधर, सब कुछ अवेलेबल है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेकेंड फ्लोर में और जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक रिसेप्शन है। रिसेप्शन के साथ पीछे देख सकते हैं काफ़ी चेयर लगी हुई है, जो ये OPD की फैसिलिटी, जो लोग आएंगे यहाँ पे उनके विश्राम करने के लिए बैठने की जगह बनाई गई है। आगे देखते हैं, हम बात करेंगे, यहाँ की सारी जानकारियाँ लेंगे। ये ENT है, यहाँ पे ऑडियोमेट्री और टिम्पेनोमेट्री होगा। ज्योमेट्री में कान का जो इस मशीन से होगा और वो मशीन से होगा,
जो भी कान में जो भी प्रॉब्लम होगा या कुछ बेबी हो तो यहाँ पे वो ट्रीटमेंट। ये ओपीडी चैम्बर है जहाँ पे डॉक्टर बैठ के पेशेंट के साथ कंसल्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओपीडी चैम्बर है, डॉक्टर्स यहाँ पे बैठेंगे मरीजों के साथ और जो भी उनकी परेशानी है वो यहाँ पे सुनेंगे और सुझाव देंगे उन्हें आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर्स के चैम्बर कितने अवेलेबल है? 7 चैम्बर्स है। 7 चैम्बर्स में डॉक्टर एक साथ बैठेंगे। जैसा आपने सुना 7 डॉक्टर्स के चैम्बर है और 7 डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे आपकी सुविधा के लिए, आपकी जो भी परेशानी है उनको देखने के लिए। जैसा ओपीडी और कौन सी सेवाएं? और ENT होगा या और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लॉन्च होगा, VIP लॉन्च, डॉक्टर्स का चैम्बर्स होगा। नेक्स्ट आगे का क्या है, मतलब और क्या है यहाँ पे? लेवल 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर पे डेंटल शूट है और एक स्किन क्लिनिक है और फिर पैथोलॉजी है। पहुंच चुके हैं हम 3rd फ्लोर पे और जैसा कि हमारे साथ मैम जुड़ी है, जानेंगे 3rd फ्लोर में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। तो मैम यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है? यहाँ पे फर्स्ट तो लैबोरेटरी है, उसके पास रिसेप्शन है। चलते हैं आगे की तरफ। जैसा मैम ने बताया, मैम रिसेप्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1st फ्लोर पे भी है और 2nd फ्लोर पे भी है। सब फ्लोर में रिसेप्शन, 3rd फ्लोर पे रिसेप्शन जो है, यहाँ पे उनका क्या कार्य है? यहाँ पे जो भी अवेलेबल है मतलब वहाँ यहाँ पे कंसल्ट करके वो लोग। जैसा कि हम अभी पहुँच चुके हैं, ये न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे EEG, MG, NCV, बेरा सब होगा, जैसे कि ब्रेन का टेस्ट। आगे यहाँ पे डेंटल शूट है, यहाँ पे डेंटल पे दांत का जो भी कैविटी होगा ये सब यहाँ पे हो जाएगा, जो भी डेंटल के प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे सारे। हाँ जी, एक खुशखबरी है, जो भागदौड़ वाली, जो प्रदूषण वाली जिंदगी में हमारा स्किन कहीं ना कहीं काफ़ी डैमेज हो जाता है और ऐसे में हमें अपने स्किन को अच्छा रखने के लिए पार्लरों की दौड़ लगानी पड़ती है, फिर भी कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं हो पाती। तो इसके लिए यहाँ पे डर्मेटोलॉजी की जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, जानेंगे हमसे इसके बारे में विस्तार से। तो मैम यहाँ पे कौन कौन सी सीधा, जैसे मैंने मेरे दर्शकों को बता दिया स्किन की जो भी प्रॉब्लम है, फिर भी एक बार आप विस्तार से बताइए। यहाँ पे जो भी टैनिंग होगा या फिर लेजर हेयर रिमूवल, ये सब यहाँ पे बोटॉक्स सब यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो मशीन है वो बहुत ब्रांड न्यू है और ये अच्छा मशीन है, तो किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। कि जैसा मैम ने बताया, स्किन से रिलेटेड कुछ भी बीमारी है, लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे बेहतरीन डॉक्टर्स के साथ बिना साइड इफेक्ट के। जैसा कि इस वक्त हम मौजूद थे न्यूटिया मेडिप्लस डायग्नोस्टिक ओपीडी सेंटर में, जैसा कि हमने आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाई और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो न्यूटिया गेटवेल है उसके ही एक ब्रांच है यहाँ पे ओपनिंग हुई है, तो वहीं के जो डायरेक्टर है और जो मैनेजर है, फैसिलिटी मैनेजर डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए हम उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में क्या क्या यहाँ की खासियत है। सर, थैंक यू। आई एम डॉक्टर संजीव सेकर, आई एम द फैसिलिटी डायरेक्टर ऑफ न्यूटिया गेटवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। देखिए, ये हमारा एक इनिशिएटिव है, एक चेष्टा है कि हमारे जो पेशेंट है और उनके पेशेंट बेस है उसको और क्लोज जाके हम उनको रीच करें, क्योंकि न्यूटिया गेटवेल जो हॉस्पिटल है वो उसका लोकेशन हमारे लिए कभी कभी दिक्कत होता है, पेशेंट के लिए दिक्कत होता है हम लोगों के पास आने के लिए, स्पेशली जो वर्किंग पे पीपल है जिनके घर में एल्डरली है वो लोग आके कभी दिखाने में दिक्कत होता है, अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए हम सुविधा हेतु हम लोगों ने ये चेष्टा किया है कि हम शहर में भी एक अपना सेंटर बना के रखें जहाँ पे लोग और पेशेंट, हमारे जो पेशेंट बेस है वो हमारे साथ कनेक्टेड रहे, ताकि फ्यूचर में फॉलो अप, बहुत बार होता है कि पेशेंट हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट लेके गए बट वो फॉलो अप के लिए उनको दिक्कत होती है, तो उस फॉलो अप की दिक्कत को हम लोग सॉल्व करने के लिए जहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं तो उनको एक रेगुलर फॉलो अप चाहिए होता है, उस फॉलो अप को हम यहाँ पे इजी करने के लिए हम लोगों ने ये चेष्टा किया है। अगर किसी को एडिशनल थेरेपी या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा हॉस्पिटल हमेशा अवेलेबल है, बट ये एक चेष्टा है कि पेशेंट को के पास और पास जाके हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें और उनको सहूलियत प्रोवाइड करें। और दूसरा एक और चीज़ है कि ये जो हमारा
ये ओपीडी का सर्विसेज है, ये हमारा एक्सटेंशन है हमारे जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज का। तो जो भी हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठते हैं वो लोग यहाँ पे आके बैठेंगे और पेशेंट्स अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे आके उनको दिखा सकते हैं। यहाँ पे ओपीडी एंड डायग्नोस्टिक्स की पूरी फैसिलिटी है और डायग्नोस्टिक्स में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है सारे लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज हुआ है एंड हमारे तरफ से स्किल्ड मैन पावर का भी सपोर्ट रहेगा। तो जो पेशेंट इस एरिया से बिलोंग करते हैं और जिनको इवनिंग ओपीडीज चाहिए या संडे ओपीडीज चाहिए तो वो सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो और हमारे पास मोर देन 55 डॉक्टर्स यहाँ बैठेंगे, सारे स्पेशलिटीज कवर होंगी। तो पेशेंट्स को यहाँ पे तरह तरह की सुविधाएं मिलेंगी, डर्मेटोलॉजी, डेंटल, ENT, ये सारे प्रोसीजर्स की भी सुविधाएं उपलब्ध है और आगे चल के हम लोग इन सुविधाओं को और भी बढ़ाने की सोच रहे हैं। मैं शुभमय मित्रा, आई एम डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ न्यूटिया गेटवेल एंड द पर्पस आप जो पूछा था डॉक्टर संजीव सरकार अंकित आप लोगों को बताया है। यस, हम लोग का हॉस्पिटल जो है सिलीगुड़ी में वी हैव कंप्लीटेड 11 इयर्स। दरअसल में हम लोग जो थेरेपी से सब ऑलमोस्ट बहुत सारी थेरेपी ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। फ्यूचर में हम लोग का ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल भी आ रहा है। वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन आवर सेंटर। सो प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, जो टर्शियरी केयर होता है, क्वार्टरली केयर, सच ईच टाइप ऑफ केयर न्यूटिया गेटल में होता है। नाउ एज डॉक्टर सरकार मेंशन, वी हैव टू रीच टू द और पेशेंट पॉपुलेशन सो दैट द फॉलोअप भी अच्छा होगा। बिकॉज सपोजिंग कोई पेशेंट का सर्जरी हो गया है न्यूटिया गेटल में, उसको फॉलोअप चाहिए, ही कैन यूज दिस सेंटर ऑल्सो बिकॉज न्यूटिया का डॉक्टर इवनिंग में यहाँ पे मिलेंगे। तो ये वन पर्पज है। सेकेंडली, देर आर सो मेनी पेशेंट जो डुवर्स का होता है, कभी कभी न्यूटिया में दिखा के फॉलोअप के लिए यहाँ पे भी सेम आ सकता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो पेशेंट प्राइमरी कर लेंगे, उसके बाद अगर कुछ डायग्नोस हुआ फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, न्यूटिया गेटल सामने है, वहाँ पे जाके फर्दर केयर लाइक सेकेंडरी और टर्शियरी केयर जो होता है वो भी कर सकते हैं। सो दिस इज ए म्यूचुअल बिटवीन मेडिप्लस एंड न्यूटिया गेटल, आवर ओन हाउस मेडिप्लस जो कलकत्ता में भी है, यहाँ पे भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम लोग जलपाईगुड़ी कुछ भी एडजॉइनिंग एरिया में हम लोग करेंगे। ये एक्चुअली हम लोग का फ्यूचर विजन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू न्यूटिया मेडिप्लस ओपीडी एंड डायग्नोसिस सेंटर की सही तस्वीरें। यहाँ पे कौन सी सुविधाएं लोगों को मिलेगी, मिलने के साथ साथ आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि कहीं ना कहीं न्यूटिया का एक सिलीगुड़ी में नाम है। वहाँ पे जो मेडिकल्स फैसिलिटीज मिलती है, जो लोगों को सुविधाएं मिलती है, वो कहीं ना कहीं बेस्ट माना जाता है। तो उसी के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए कई लोग जो बाहर से आते हैं वो डिस्टेंस को कम रखने के लिए यहाँ पे जो आज मेडिप्लस का उद्घाटन किया गया है कि लोगों को सेवाएं बेहतरीन तरीके से मिल पाए। अब तक हमने आपको न्यूटिया मेडिप्लस ओपीडी एज डायग्नोसिस सेंटर की सीधी तस्वीरें दिखाई, क्या कुछ सुविधाएं हैं पूरा विस्तार पूर्वक हमने एक एक तस्वीरें आपके सामने रखी। तो कहीं ना कहीं एक बात उभर के सामने आई कि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके, जो डुअर्स के लोग हैं जो बाहर से न्यूटिया गेटवेल में नहीं जा पाते उनके लिए एक खास मौका है, वो यहाँ पे आके अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और एक ही छत के नीचे आपको सारी कुछ सुविधाएं उपलब्ध मिलेगी। हर एक सुविधाएं कहीं कहीं नहीं जाना नहीं पड़ेगा, एक एक टेस्ट के लिए आपको अलग अलग चैम्बर नहीं घूमने पड़ेंगे, एक ही छत के नीचे आपको हर एक चीज के डॉक्टर्स के साथ साथ हर सुविधाएं, टेस्ट की फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल मिलेगी और साथ ही इसकी स्किन से रिलेटेड सारी समस्याएं का समाधान भी आपको यहीं पे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात है सिलीगुड़ी वासियों के लिए और भी जो लोग यहाँ पे लोकल में हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ का एड्रेस बता दूँ, निर्वत्य हाउस, सेकंड माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। और एक बात बता दूँ, विशाल सिनेमा हॉल के ठीक सामने ही आपको ये मिल जाएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगी ऐसे ही खबरें अपडेट के लिए। बने रहिए इसके लिए, धन्यवाद।